सारे को लोरी सुनाऊंगी, सारे को झटपट नींद आ जाएगी, ठीक है? नहीं भाई साहब, कोई भी सारे दे दो, बस लोरी मत गाओ। तू चुप कर अघुड़ा, मैं तो लोरी गाऊंगी। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं। चंदा मामा दूर के कुए बनाए गुड़ के भाई साहब। हाँ। तू बस मुंह बंद रख और कान खुले रख, समझा? ओहो, हो गया सत्यानाश, कोई तो रोको मारी बेसुरी बैसा ने। तू कब समझेगा अभी? अब तू बड़ा हो गया है, तेरी उम्र में तो देव ऑफिस आकर हमारा हाथ बटाने लगा था। एक देव है जो पूरी जिम्मेदारी के साथ घर की इज्जत को ऊंची करने में लगा है, और तुझे खानदान की साख को मिट्टी में मिलाने से फुर्सत नहीं। कभी ये लड़की तो कभी वो लड़की, और आज ये। साहब, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। आज हमसे कौन है जो घर के नियम भूल गया? चंदा मामा दूर के कुए बनाए गुड़ के थाली में मुन्ना को दे प्याली में। लगता है हमें ही जाकर समझाना होगा। ये लड़की तो अलग ही सैंपल है। मैं जब जब कोई कांड करता हूँ, मुझसे बड़ा कांड करके मुझे बचा लेती है। कमाल की जादूगर है यार। चंदा मामा कर रही है, पूरी कोठी को जगाएगी क्या? अरे बुआ, मैं तो मेरी बात सुन, इस वक्त शोर मचाना कोठी के कायदे के खिलाफ है। अरे बुआ, मैं तो तेरी बोल। अरे बुआ, मैं तो रगड़ा और गुलकी को लोरी गा के सुला रही हूँ, और आज मारा क्या सुर लगा है बुआ। वाह, मजा ही आ गया है ना? के सुनाते हैं ना। धीरे बो। अरे बुआ, ऊंचा बोलना मना है, ऊंचा गाना थोड़ी। चंदा मामा चुप, एकदम चुप। जोर जोर से गाना भी मना है, इसलिए एकदम चुप। हुकुम तेरा शोर सुन के आ गई ना, तो अपना दूसरा काल भी तैयार रखना ला दो। ये हमारे सामने आने की गलती ना करे। नहीं चाहिए ना, तू मन में का ठीक है? पर बुआ, गुलकी, गुलकी को भी मन में गा के सुना, उसे सुनाई देगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे बुआ, मन में कैसे गाते हैं?